अब हम आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अनुभव शुक्ला से, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, ये जो सियासी घटनाक्रम आज लखनऊ में है, इनमें सबसे विशेष आप क्या देख रहे हैं वहां पर, जो अंडरलाइन करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सभी सियासी दल अपनी अपनी एक्टिविटीज़ उन्होंने बढ़ा दी है चुनाव को देखते हुए। अगर बीजेपी की बात कर ले तो उनका तमाम जो मोर्चे गठित हुए चुनाव से ठीक पहले, अब वो अलग अलग अपनी अपनी कार्यसमिति कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो युवा मोर्चा है वो अपनी प्रदेश कार्यसमिति कर रही है, और तकरीबन 10 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि वो लखनऊ में हो रही प्रदेश कार्यसमिति। जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद एक सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कल रात को ही लखनऊ पहुंच गए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए, इस बार बीजेपी का जो फोकस है वो युवाओं पर है। कहा जा रहा है कि इस बार जब टिकट का वितरण होगा तो युवाओं पर खास फोकस रहेगा, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाएगा। इसीलिए आज की प्रदेश कार्य समिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा, आर्थिक प्रस्ताव भी आएगा, किस तरीके से युवा मोर्चा की, युवाओं की टीम को काम करना है चुनाव में, इस पर भी मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में देखिए, बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की उसमें युवा मोर्चा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से अपने चुनाव में युवाओं की टीम को इस्तेमाल करेगी बीजेपी, ये उससे दिशा निर्देश आज जारी होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव किस कोशिश में है, उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे दलों के नेता हैं जो अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में आज भी कुछ ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होगी। कांग्रेस के कुछ लोग होंगे, कुछ बसपा के लोग बताए जा रहे हैं जो आज सपा का दामन थामेंगे, और उसकी घोषणा खुद अखिलेश यादव करेंगे। अब अगर हम बात कर लें प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो आज उनके दौरे का 5वां दिन है, लेकिन आज वो दिल्ली चले जाएंगे। पर जिस तरीके से 4 दिनों तक उन्होंने रणनीति बनाई, यानी उनका अब किस रोड मैप पर काम होगा चुनाव के लिए, वो चीज़ें सब तय हो चुकी हैं और सभी को उसी पर आगे अपना क्रियान्वयन करना है। सबको जिम्मेदारी दे दी गई है, सबको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट हो गई है, क्षेत्र अलॉट हो गया है कि आपको यहाँ जाना है, इस तरीके से काम करना है, और अब सबको उसमें जुटना है। जल्दी कहा जा रहा है कि उनकी एक लिस्ट आएगी कैंडिडेट की, जो पहली लिस्ट होगी, तकरीबन 80 से 90 नाम होंगे, उस पर भी कल बैठक हो गई। हर सियासी दल अपने तरीके से, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा है और इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग वो करना चाहते हैं, अपनी रणनीति को फाइनल करना चाहते हैं, जिससे कि जब चुनाव की तारीख अनाउंस हो तो फिर वो किसी उहापोह की स्थिति में ना रहे, बल्कि फोकस्ड रहें और सीधे चुनाव के मैदान में जाएं। बिल्कुल ठीक है आपने अनुभव, इसीलिए एक्टिविटीज़ लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। यूपी की सियासत में आज शुक्रवार सियासी रहने वाला है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस आज दिन भर अपने अपने अभियान चलाने जा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा की आज यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, और वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी दिल्ली में